जब भी इंस्टाग्राम पे लाइव आया करती थी या इंस्टाग्राम पे मतलब जब भी लोग मेरे रील्स वगैरह देखते थे, क्वेश्चन रहता था जब भी मैं लाइव बैठती थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही होते थे कि आप आईब्रोज पे क्या लगाते हो, आपकी आईब्रोज इतनी घनी कैसे है, इतनी लॉन्ग कैसे है, इतनी ब्लैक कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और 4 से 5 वीडियोस आई थिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अलग अलग रेमेडीज ट्राई करते हुए। आप देख सकते हो कम से कम 2 साल से मैं ये आईब्रोज के ऊपर और अपने वर्क कर रही हूँ कि मुझे किस किस चीज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले मेरी आईब्रोज उतनी अच्छी नहीं थी, आप सभी को मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, और आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको ये पता भी होगा कि मेरे बालों में ना पहले बीच बीच में थोड़े से गैप्स हुआ करते थे, अभी वो गैप्स भी बिल्कुल फिल हो गए हैं। तो अच्छे से मेरी जो आईब्रोज है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और नेचुरली ब्लैक हुई है। तो मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे उनसे बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आप सबके कमेंट्स रीड करके मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आप सभी वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, लाइक जो मैंने आपको बताया आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपको उस चीज़ से फायदा भी हो रहा है। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आपके साथ में आज जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो मैं आपको शेयर करूंगी। कुछ इस तरीके के कॉमेंट्स मेरे पास आए थे कि आईब्रोज घनी तो हुई है, डेंसिटी भी लॉन्ग और सब कुछ हुआ है, बट आपकी आईब्रोज का जो कलर है वो मतलब कि ब्लैक नहीं हुआ जितना ब्लैक आप चाहते हैं, या फिर जितनी ब्लैक मेरी आईब्रोज है उतनी ब्लैक नहीं हुई है। वैसे मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला है कि मेरी आईब्रोज फेक है, क्योंकि जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं, उनको पता है कि मेरी आईब्रोज बहुत ही अच्छी है, नेचुरली ब्लैक है और लॉन्ग है और काफी अच्छी डेंसिटी भी इनकी है, गैप्स नहीं है ज्यादा आईब्रोज में, बहुत ही सुंदर ये अट्रैक्टिव दिखती है। और सच में आपके सारे मेकअप का और आपके लुक का एकदम मतलब गेम चेंज हो जाता है अगर आपकी आईब्रोज ब्यूटीफुल हो तो। एज यू कैन सी बिना किसी मेकअप के मेरी नेचुरली आईब्रोज, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाया है, बिंदी लगाया है और मेरी आईब्रोज बहुत अच्छी है, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है मैंने मेकअप भी किया हुआ है। मतलब कि होता है ना कि आपके फेस पे अगर आपकी आईब्रोज अच्छी हो तो मीन्स बहुत अट्रैक्टिव आप देखते हो, आई थिंक सो, और मुझे सब लोग बोलते हैं, सो मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो आपकी आईब्रोज जैसी भी हैं बहुत सुंदर है, ट्रस्ट मी। और मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट जिससे कि आप अपने आईब्रोज को नेचुरली ब्लैक कर सकते हो। और ब्लैक करने के अलावा अगर आपकी आईब्रोज पे कोई भी प्रॉब्लम है आईब्रोज से रिलेटेड, लाइक हेयर फॉल होता है या फिर ब्लैक नहीं है या फिर लॉन्ग नहीं है या फिर थिक नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो वीडियोज आप चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी आईब्रोज को नेचुरली घर बैठे बैठे ब्लैक कैसे कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर तो ऐसे वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, आपको सीरियसली मजा आ जाने वाला है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज है जिससे मैंने इस ऑयल को प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हो ये है कांच की बोतल, जो जैम आता है हमारा फ्रूट जैम, मेरे पास में छोटी बोतल नहीं थी इसलिए मैंने इसको बड़ी में रखा है और थोड़ा ज्यादा भी बना लिया है ताकि मैं अपने बालों पे भी यहाँ आसपास जहाँ भी मुझे ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है वहां पे मैं इसको लगा सकूं। ऑयल तैयार किया था तब मैंने वीडियो शूट किया था लेकिन वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो गया। अभी मेरे पास ऑयल है इसलिए मैं वापस से उसको तैयार नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट्स है इसमें और एक है कलौंजी का ऑयल, इस तरीके का, मतलब इस तरीके की कलौंजी का ऑयल नहीं, इस तरीके की कलौंजी है। फिर कलौंजी को आपको बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है, आप ग्राइंड कर सकते हो या फिर खुद से पीस सकते हो। फिर आपको लेना है कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल अमेजिंग है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। अगर कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी अगर आप मिला सकते हो तो मिला सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। मैंने इसमें डाला हुआ है ओनली कोकोनट ऑयल है और एक है इसमें कलौंजी पाउडर जो मैंने खुद ही पीस के डाला था। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने पीस लिया था और फिर इसको नारियल के तेल में डाल के फिर मैंने इसको धूप में रख दिया। तो 7 दिन बाद जो था ये, मतलब कि धूप में मैं इसको रोज ही रख देती थी, फिर जब भी अप्लाई करना, मतलब दोपहर में रख देती थी फिर शाम को मैं वापस ले आती अंदर, क्योंकि कांच की बोतल है मुझे लग रहा था कहीं क्रैक वगैरह ना हो जाए, फिर मैं वापस से रख देती। तो मैंने ऐसे 7 दिन करा। इसमें जो होगा धूप में रखने से कलौंजी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सारी इस ऑयल में मिक्स हो जाएंगी और जब भी आपको लगाना हो आराम से आप अपने फिंगर, मतलब इस तरीके से आप ऑयल लीजिए अपनी आईब्रोज पे, थोड़ा सा
मसाज करते हुए लगाइए। मसाज वाला वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और जहां भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो आप लगा सकते हैं। विद इन 8 डेज आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और जब रिजल्ट्स मिलने लग जाए तो कमेंट में आके वापस से मुझे जरूर बताना कि आपके जो आईब्रोज के और आईलैशेज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो एग्जैक्टली। अपने जहां भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपके ब्लैक और स्ट्रांग हो जाए बाल, तो आप ये जरूर ट्राई करना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी करना। और आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये कलौंजी वाला ऑयल आपको पसंद आया हो और ये रेमेडी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। और मेकअप वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड या फिर अपनी आईब्रो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही जल्दी से आपके लिए वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये कलौंजी वाला ऑयल जरूर ट्राई करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।